हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सीलेटर पैडल का जो सेंसर होता है उसमें कितने वायर लगे हैं और कौन वायर का काम क्या है, किसमें कितना वोल्ट आता है और कौन वायर कहां से आ रहा है, अगर ECM से आ रहा है तो किस पिन से आ रहा है, ये सारा चीज आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और एक्सीलेटर पैडल दबाने के बाद से क्या होता है एक्सीलेटर पैडल में, वो सारा चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सीलेटर पैडल में 6 वायर होता है। सबसे पहले अगर हम एक्सीलेटर पैडल के पिन देखें तो उसमें पिन नंबर होता है ABCDEF। ये हो गया हमारा एक्सीलेटर पैडल का पिन नंबर, ठीक है। 6 वायर होता है और उसका 6 पिन होता है और 6 वायर जो है वो सारा आता है ECM से, ठीक है, ECM से आता है। और इसमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ सिग्नल वायर है और कुछ रिटर्न वायर है यानी ग्राउंड है। लेकिन जो सिग्नल है उसका भी जो काम है वो अलग अलग काम है। अब सिग्नल जो वायर है उसका क्या काम है आप इस वीडियो में खुद देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पिन है उसमें क्या आता है, ये जो पिन है उसमें क्या आता है, क्या करंट आता है या सिग्नल। तो सबसे पहले जानिए कि ये जो पिन है वो होता है सिग्नल का, ठीक है। ये जो वायर है ये सिग्नल का है, ठीक है, सिग्नल, ओके। ये सिग्नल वायर है और ये आता है ECM के पिन नंबर 92 से, 92, ओके। लेकिन हम एक्सीलेटर पैडल दबाएंगे तो इसमें सबसे पहले अगर हम चाबी ऑन करते हैं तो इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव भी नहीं होता है, निगेटिव भी नहीं होता है। लेकिन एक्सीलेटर पैडल दबाने के बाद इसमें क्या आ जाता है वो हम अभी जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पे जो बी जो पिन है, जो एक्सीलेटर पैडल का पिन है बी, उसमें क्या होता है, उसमें होता है रिटर्न, ठीक है, यानी ग्राउंड। तो ये हो गया हमारा रिटर्न वायर, ठीक है, यानी ग्राउंड GR, ओके। ये हो गया ग्राउंड और ग्राउंड हमें इस पिन को यहां लिख दे रहा है GR। ये हो गया हमारा ग्राउंड और ये आता है पिन नंबर बी जो है वो होता है पिन नंबर 88, ठीक है। यहाँ देखिए 88, ये जो है वो 92 से आता है और सिग्नल वायर है बी है वो 88 से आता है और ब्राउन कलर का, ये ब्राउन नहीं होगा, ये ग्राउंड वायर है, ठीक है। अभी वायर का हम कलर भी बता देंगे। यहाँ पे देखिए जो सी जो वायर है, सी वायर में होता है पॉजिटिव, ठीक है। जो सी वायर है इसमें पॉजिटिव होता है 5 वोल्ट, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 वोल्ट, ओके। इसमें पॉजिटिव होता है 5 वोल्ट और ये आता है पिन नंबर 89 से, ECM के पिन नंबर 89 से, ओके। और जो यहाँ पे देखिए डी जो है ये भी है पॉजिटिव 5 वोल्ट, ओके। सी और डी ये दोनों पॉजिटिव है 5 वोल्ट और जो डी है वो पिन नंबर 23 से आता है, ओके। अब रह गया ई और एफ, तो हम जानेंगे ई। ई जो है वो रिटर्न है, ठीक है, 2 वायर रिटर्न का होगा और ई जो है वो आता है पिन नंबर 65 हो गया। और लास्ट जो हमारा पिन है वो एफ है, एफ जो है वो आता है 25 पिन नंबर से और इसमें होता है रिटर्न, ठीक है, ये भी है, ये रिटर्न है, ठीक है। तो इस पे हम ग्राउंड लिख दे रहे हैं, ओके। और जो एफ है वो है सिग्नल, ये सिग्नल वायर हो गया और ये आता है पिन नंबर 25, ओके। तो ये हम अभी देखे हैं कि जो एक्सीलेटर पैडल का जो पिन है उसमें 6 वायर लगता है और 6 वायर कहाँ से आता है। तो 6 वायर जो है वो ECM से आ रहा है और सबका काम अलग अलग है, ठीक है। 2 सिग्नल है और दोनों का काम अलग है, 2 5-5 वोल्ट का है और 2 ग्राउंड। अगर आप चेक कीजिएगा तो 2 में अर्थिंग आएगा, 2 को सिग्नल है उसमें कुछ नहीं आएगा और जो 2 वायर है उसमें 5-5 वोल्ट आपको मिलेगा।
तो अगर हम अब एक्सलेटर पेडल को दबाएं, जैसे चाबी ऑन किए तो ये सब आ गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करके जैसे ही एक्सलेटर पेडल को दबाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जो सिग्नल है ए, जो ए पिन है सिग्नल, उसमें मैंने चेक किया जब स्टार्ट करके गाड़ी, तो देखें कि इसमें आ रहा है 3.80 वोल्ट, मतलब 3.5, 3.60, 3.70, 3.80, ऐसे 3 वोल्ट से ज़्यादा, 3.5 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। जब मैंने गाड़ी को पूरा फुल रेस में किया तो 3.80 तक गया, ठीक है, और स्टार्ट करने पे 3.5 आया, 3.5 और 3.60 ऐसे आ रहा था। पिन नंबर ए में ये सिग्नल है और इसमें 3.80 आ रहा है स्टार्ट करने के बाद, ठीक है। और स्टार्ट करने के बाद भी इसमें ग्राउंड ही था, इसमें 5 वोल्ट था और इसमें भी 5 ही वोल्ट था, ठीक है। और यहाँ जो ई है इसमें भी ग्राउंड था, और रह गया ये पिन नंबर, ये जो एफ है इसमें भी जो पॉजिटिव है वो आ गया था, ठीक है। इसमें आया था 2.50, ठीक है, 2.50, 60 या 30 ऐसे आ रहा था, मतलब ये रुक नहीं रहा था। हम दबाए थे तो ये अपने आप बढ़ रहा था, घट रहा था, वही 10 या 20 जो पॉइंट में है, जैसे अभी 50 मैंने लिखा तो 30 था, 40 था, 50 था, ऐसे करके हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सीलेटर पेडल के 5 वायर, और वो कहाँ से आता है और उसमें क्या होता है। अगर हमें मौका मिला, अगर ऐसा मौका मिला तो मैं किसी गाड़ी में आपको लाइव दिखा दूंगा कि देखो ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये मैंने चेक किया है, एक्सेलेटर पेडल का ऐसे ही होता है। अगर आप एक्सेलेटर पेडल ख़राब है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है हमको गाड़ी को आरपीएम बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो आप अगर आरपीएम बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने चेक किया है, आप एक वायर लें और जो 5 वोल्ट का एक पिन है सी या डी किसी एक में लगाएं, और उसका एक जो वायर है, वायर में बहुत सारा वायर होता है ना पतला पतला, तो उसमें का एक जो है हल्का सा टच कीजिएगा ए में तो थोड़ा सा आरपीएम बढ़ेगा, मतलब गाड़ी जो है थोड़ा सा रेस लेगी। फिर अब मतलब छोड़ देना होगा, ऐसा नहीं है कि हम पकड़ कर रखेंगे तो दिक्कत होगा, मतलब एक बार चेक करने के लिए बस मैंने इतना किया था, तो ऐसा हो रहा था। अब एक्सीलेटर पेडल के अंदर रजिस्टर होगा, कुछ होगा ऐसा जो ई और जो दो सिग्नल वायर है ई और एफ, उसको पॉजिटिव दे रहा है धीरे धीरे, मतलब कम कम करके दे रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि एक्सीलेटर पैडल में जो 6 वायर होता है वो कौन कौन सा कलर का होता है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पिन नंबर ए, जो पिन नंबर ए है उसका रंग होगा आर एल, ठीक है। और इसमें जो कलर कोड होता है उसमें आर का मतलब होता है रेड और एल का मतलब होता है ब्लू, ठीक है। ये हो गया ब्लू और ये हो गया रेड, तो ये हो गया हमारा पिन नंबर ए। और पिन नंबर बी जो है वो होता है GR, मतलब ये है G से ग्रीन और R से रेड, यानी ग्रीन पर रेड कलर का पट्टी। और जो सी है वो है बी, जो पिन नंबर सी है वो है बी, बी का मतलब होता है ब्लैक, एल मतलब ब्लू होता है, हालांकि बी मतलब ब्लू नहीं होता है, एल मतलब ब्लू और बी फोर ब्लैक। और जो पिन नंबर डी है वो है पी और बी, देखिए ये है पी और ये है बी, यानी पिंक पे ब्लैक, ठीक है, ये पिंक पे ब्लैक कलर का वायर है। और पिन नंबर जो ई है वो है GO, ये जो है GO, ये है मतलब ग्रीन, ग्रीन पे ऑरेंज, ठीक है, ये कलर है। और जो पिन नंबर एफ है वो है LW, एल का मतलब होता है ब्लू और W से होता है वाइट, यानी ब्लू पे वाइट, ये हो गया ब्लू, ये हो गया वाइट, ब्लू पे वाइट कलर का धारी है। हालांकि ये जो रंग दिया हूँ मैं, ये सब गाड़ी में ऐसा नहीं होता है, कुछ गाड़ी में ऐसा मिलेगा, कुछ गाड़ी में ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कलर है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो एक्सेलेरेटर पेडल के बारे में।